टीम इंडिया में चयन के बाद मनोज तिवारी काफी गुस्से में थे और सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली। हाल ही में खबरों की माने तो उन्होंने बात करते हुए मीडिया से कहा कि मुझे उम्मीद थी कि इंडिया ए टीम में मुझे चुना जाएगा। जब कोई बेहतरीन परफॉर्म करता है तो उसे इसका इनाम मिलना चाहिए और पिछले सीजन में मैंने 50 ओवर के टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया है। मैंने वो रिकॉर्ड बनाया है जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कोई नहीं बना पाया। आपको बता दें कि 2017-2018 के होम सीजन में तिवारी के बल्ले से 507 रन निकले और उनका औसत रिकॉर्ड 126.70 निकला था, जो कि भारत के इस सीजन में किसी भी बल्लेबाज से ज्यादा है। इतना ही नहीं, उन्होंने विजय हजारे और देवधर ट्रॉफी में भी 100 की औसत से रन बनाए थे। आज तक भारत का कोई भी बल्लेबाज एक सीजन में इस औसत से रन नहीं बना पाया था। टीम चयन में युवाओं को तरजीह देने वाले सवाल पर तिवारी ने धोनी का उदाहरण देते हुए कहा कि चयनकर्ताओं की तरफ से कोई भी संवाद नहीं होने के कारण उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। 32 साल के मनोज तिवारी ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, मुझे उस उम्र में क्रिकेट से दरकिनार कर देने का कोई तुक समझ में नहीं आता। सभी ने धोनी के उस तर्क के बारे में सुना होगा जो उन्होंने IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों की उम्र पर उठे सवाल पर दिया था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।